शुरू किया कि क्या खूब कहा है किसी ने। मैंने जिंदगी से कहा कि जो मैं मांगू मुझे दे दिया कर तो सही। मैंने जिंदगी से कहा जो मैं मांगू मुझे वो दे दिया कर तो सही। जिंदगी रोते हुए बोली, पगले मैं जिंदगी हूं तेरी मां नहीं। आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखता हूँ, 2 महीने की रिलेशन के बाद बंदा डालता है माई पार्टनर इज माई एवरीथिंग, आई कांट लाइव विदाउट माई पार्टनर। मैं बस एक बार दिल पे हाथ रखिए और आंख बंद करिए कि जब आपका साथ सबने छोड़ दिया था तो था वहाँ एक जो आपके साथ हमेशा साथ था, वो माँ थी। और अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, मैं ओल्ड एज होम, आपने देखा होगा ओल्ड एज होम में होके आया, तो मैंने वहाँ जितनी भी लेडीज़ को देखा तो उनके बारे में मुझे लगा कि कुछ मुझे इनके बारे में लिखना चाहिए। तो अरुण भाई मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सोशल इशू है। और ये कविता तमाम उन लोगों के लिए है जो अपने पेरेंट्स को बोझ समझ के ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। तो मेरी कविता का पोएम का टाइटल है कि थोड़ी कामयाबी क्या मिली साहब, तूने तो अपनों का खून कर डाला। तो मैंने कहा, जिसने तुझे खून से सींचा, जिसने तुझे खून से सींचा और टपकते पसीने से पाला, थोड़ी कामयाबी क्या मिली साहब, तूने तो अपनों का खून कर डाला। खुद भूखे रह के जो तेरे पेट में भेजा, ये उसी का निवाला है जिस बूढ़े माँ बाप को आज तूने धक्के दे के निकाला है। उसके सूखे आंसू और फैलते हाथ का सिर्फ यही हवाला है, ए खुदा मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लगा दे अगर तू सच में मेरी सुनने वाला है। लेकिन तूने उस माँ से मुंह मोड़ लिया, उससे तंग आके उसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आज कहता है मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया, आज कहता है मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया, खुदा ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। तेरी एक घमंड और लालच ने तुझे जानवर बना डाला, थोड़ी कामयाबी क्या मिली साहब, तूने तो अपनों का खून कर डाला। होता क्या है कि अभी मैंने एक न्यूज़ पर देखी थी कि उसमें एक लड़के ने अपने बाप को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने कहा था कि ओल्ड एज होम में अगर तू ले जा रहा है तो सिर्फ अपनी माँ को अपने साथ रख ले, मुझे ले जा। तो इसलिए उसने अपने पापा को सिर्फ मार दिया। तो मैंने इस पे लिखा था कि जिस बाप पे तूने हाथ उठाया था ये वही बाप था जिसने तुझे चलना सिखाया था। जिस बाप पे तूने हाथ उठाया था ये वही बाप था जिसने तुझे चलना सिखाया था, थाम के तेरी उंगली तुझे कभी गिरने ना दिया था, खाली जेब होते हुए कभी किसी से एहसान ना लिया था। आज तुझे खड़े होते हुए भी उसके पास शर्म आती है, अपने दोस्तों से मिलवाते हुए तेरी जान निकल जाती है, सब भूल गया तू पहना के एक लड़की को मंगलसूत्र और माला, थोड़ी कामयाबी क्या मिली साहब, तूने तो अपनों का खून कर डाला। और लास्ट कह के मैं अपनी जगह लूंगा कि हम अपने माँ बाप पे कितना भी जुल्म करते हैं ना, वो कुछ किसी को कुछ बताएंगे नहीं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो लास्ट मैंने लिखा था कि तेरे बूढ़े माँ बाप तो भूखे सो जाएंगे, कोई लाख पूछेगा फिर भी वो किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन तू अपने खुदा को क्या मुंह दिखाएगा, अपने माँ बाप को दुखी करके कैसे सुखी हो पाएगा। ध्यान रख, ध्यान रख, कल को जब तेरा बच्चा तुझ पे हाथ उठाएगा उस टाइम तुझे अपना बूढ़ा बाप याद आएगा, तू खुद फंसेगा उसमें जो तूने बुना है जाला, थोड़ी कामयाबी क्या मिली साहब, तूने तो अपने का खून कर डाला। थैंक यू सो मच।